आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द थर्ड बॉन्ड, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसके अंदर आपके पास कोवलेंट बॉन्ड तो मौजूद होता है। कोवलेंट बॉन्ड की कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर है, अगर ए और बी के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है तो इनमें से कोई एक एटम, ए भी हो सकता है बी भी हो सकता है, अगर वो अपना एक पेयर जो सा है वो शेयर करते, शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसकी डेफिनेशन है जी, द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। व्हेन शेयर्ड पेयर जो होगा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड, वो डोनेट करे कोई एक बॉन्डेड एटम, डोनेटेड बाय वन ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अब इसका मतलब क्या है, इसकी हम डिटेल में अभी एक एग्जांपल करेंगे जिसमें आपको जो है समझ आएगी। और ये एग्जांपल ऑफ बॉन्ड बिटवीन अमोनिया NH3 एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है दैट इज दी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। होता क्या है कि अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो अमोनिया इज नाइट्रोजन जिसके साथ तीन हाइड्रोजन जो होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। अब मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन होती है मेरे पास 7, इसके पहले में 2 और दूसरे में होते हैं 5, तो नाइट्रोजन के जो 5 हैं ये क्या करेगी, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NH3। अब इसके पास जो विसिनिटी में इसके इसके इर्द गिर्द जो चीज मौजूद है दैट इज बोरॉन फ्लोराइड BF। अब BF के पास इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो कमी है। अब अगर आप अमोनिया का स्ट्रक्चर देखें तो ये एक बॉन्ड क्लियर है, दूसरा बॉन्ड भी बना हुआ है और थर्ड बॉन्ड भी, और इसके पास जो चीज़ एक्स्ट्रा है दैट इज दिस पेयर, इसके पास एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्या है, वो एक्स्ट्रा मौजूद है। अब बोरॉन चूंकि डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये वाला जो पेयर होगा अमोनिया इसको डोनेट कर देगी। अब जब अमोनिया इसको डोनेट करेगी तो जो चीज़ हमारे पास बनेगी वो एक कॉम्प्लेक्स होगा अमोनिया का और बोरॉन फ्लोराइड का, जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को आपने रिप्रेजेंट करना है तो एक एरो से रिप्रेजेंट करना है। नॉर्मली जो कोवलेंट बॉन्ड है वो इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं अगर ए और बी के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन जब ए और बी के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा तो यू हैव टू ड्रॉ दिस लिटिल एरो। ये आपके पास जो है ना कॉम्प्लेक्स वजूद में आएगा इन द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब ये ओवरऑल न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, लेकिन ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे और द कॉम्प्लेक्स ओवरऑल विल रिमेन न्यूट्रल। तो अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, जब भी दो चीज़ों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो द बॉडी विच डोनेट्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डोनर and the body which receives the shared pair of electron is called the acceptor or receiver। तो ये example से आपके minds में जो है coordinate covalent bond का concept clear हो जाना चाहिए कि जब भी एक ऐसे molecule, एक ऐसे atom की तरफ से जो कि already bonded है shared pair जो है वो donate किया जाए ऐसी party को जिसके पास electrons की कमी है, तो जो bond बनेगा
वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कहलाएगा। यहाँ पर एक और बात वो मेंशन करता है कि व्हेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, द डिस्टिंक्शन बिटवीन कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विल वैनिश। इसका क्या मतलब है? ये बात इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जब भी इसका मतलब जो है वो ये है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है कि शेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स को हम शेयर करते हैं। फर्क क्या होता है कि ए और बी अगर हैं तो एक ए का होता है दूसरा बी का होता है, तो बॉन्ड बन जाता है और ये बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है कि अगर ए और बी है और इनके दरमियान अगर बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि जो शेयर्ड पेयर है वो ए से आया है, एक ही एटम ने दिया है। ये तो फर्क थ्योरेटिकली है, लेकिन जब ये बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है तो यहाँ पे भी एक पेयर शेयर हुआ है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक शेयर जो है वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन ही का हुआ है, वो एक अलहदा बात है कि दोनों ने एक एक दिया इस केस में या एक पार्टी ने ही दोनों दिए इस केस में, लेकिन जो ओवरऑल उनका इफेक्ट है वो सेम रहेगा क्योंकि नंबर ऑफ टू शेयर हुआ बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जो है वो शेयर हुआ है। अब वो जिस तरीके से मर्जी शेयर हुआ हो, चाहे दोनों ने एक एक दिया हो या एक पार्टी ने दोनों दिया हो, लेकिन जो उसकी वर्किंग है या जो उसका इफेक्ट है, इफेक्ट विल बी सेम। तो वो यही कह रहा है कि जब भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि ये वाला बॉन्ड कोवेलेंट है या ये वाला कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है, दोनों का इफेक्ट जो सा होगा ओवरऑल वो सेम रहेगा। सिमिलरली आगे बात करता है वो हाइड्रोनियम आयन की। हाइड्रोनियम आयन ये होता है H3O पॉजिटिव। इसमें क्या होता है कि जो आपका वाटर मॉलिक्यूल होता है वो एक प्रोटॉन के साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अगर आप वाटर के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो ऑक्सीजन होती है 8, मतलब ऑक्सीजन 2 एंड 6, इनमें से जो 2 थे एक इधर लग गया एक इधर लग गया, पीछे बचे 4, बाहर वाले शेल में 6 थे, 2 तो बॉन्ड बन गए, 2 इसके पास पेयर की शक्ल में, 2 पेयरों की शक्ल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये क्या करेगा, ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन उठाएगा और विसिनिटी में मौजूद एच पॉजिटिव आयन को देगा और जो आपके पास चीज बन जाएगी दैट वुड बी द हाइड्रोनियम आयन। ये जो है एरो, एरो की डायरेक्शन भी आपको पता होनी चाहिए कि डोनर टू एक्सेप्टर होती है, तो ऑक्सीजन ने अपना पेयर जो है इस को दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ओवरऑल बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड इट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। अब वो यही कहता है कि आप जो है डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इन तीनों बॉन्ड्स में, इन तीनों की बॉन्ड्स की जो सी है वो इक्वल पार्ट है कि हर बॉन्ड जो है इसके अंदर 3 बॉन्ड है, तो हर बॉन्ड क्या है 33% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है और 66% कोवेलेंट है, क्योंकि इन ईच केस एक पेयर जो है इलेक्ट्रॉन का वो शेयर हुआ है। और ये भी आप याद रखिए कि जब भी आपने डोनेट करना है एरो को, तो एरो विल बी फ्रॉम डोनर टू द एक्सेप्टर, जो दे रहा है उसकी तरफ से एरो की डायरेक्शन शुरू होगी और एक्सेप्टर की तरफ उसकी एरो हेड होगा, विच शोज कि दिस पार्ट इस केस में ऑक्सीजन डोनर है, तो ऑक्सीजन से एरो हाइड्रोजन की तरफ जो है हम ड्रॉ करेंगे। तो दिस वॉज द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर एक दफ़ा जब बन जाए तो आप दोनों बॉन्ड्स के दरमियान डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं कर सकते।
फिर आगे चल के इनकी और एग्जांपल्स दे रहा है ऑक्सोनियम आयन की। ये नाम आपको याद होने चाहिए, ऑक्सोनियम आयन्स, क्योंकि जब आपसे एग्जांपल्स पूछी जाएंगी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तो वहां पे आपको इनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऑक्सोनियम आयन्स के अंदर क्या करते हैं, जो अल्कोहल्स होते हैं या ईथर्स, ये क्या है, दीज आर द फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनकी बहुत सारी डिटेल आप जो है अपने सेकंड चैप्टर सेकंड ईयर की केमिस्ट्री में जाके पढ़ेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिटेल में हमारे पास चैप्टर्स आएंगे। अल्कोहल्स आर द फैमिलीज ऑफ एंड ईथर्स आर द फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब अल्कोहल के अंदर क्या होता है, जो आपको थोड़ी सी जनरल ओवरव्यू दे देते हैं, आर और ओ एच। नाउ आर इज व्हाट, आर होता है अल्काइल ग्रुप। अब ये एक बहुत बड़ी जनरल, मतलब आर इज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी सी एच थ्री, दैट कैन बी सी एच टू सी एच थ्री, दैट कैन बी सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री, एंड दैट कैन गो ऑन फॉर्मिंग वेरी लॉन्ग चेन्स। तो अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो, जब भी किसी अल्काइल ग्रुप के साथ ओ एच लगेगा तो दैट वुड बी दी ईथर्स, अल्कोहल सॉरी। एंड ईथर्स आर when between two of the alkyl groups there is a oxygen present। ab ye alkyl group bhi lambi chain ho sakti hai, ye alkyl group bhi lambi chain ho sakti hai, ye wala chota bhi ho sakta hai, ye wala bada ho sakta hai, isliye ether ek family hai jisme beshumar jante hain, number of compounds jante hain wo exist karte hain। similarly alcohols, r ki main value badalta jaau, ye kar do methyl alcohol, ye kar do ethyl alcohol, ye kar do propyl alcohol and continue। इसी तरह आपके पास ये जो से हैं ईथर्स, इनके इनका ये जनरल फार्मूला होता है। तो अल्कोहल्स और ईथर्स जो से हैं, ये जब इनमें मौजूद ऑक्सीजन जो सी है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है एक हाइड्रोजन आयन के साथ, तो फिर जो आयन प्रोड्यूस होता है दैट इज द ऑक्सोनियम आयन। अब हम इनकी अलग-अलग जो है वो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम आयन को देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अल्कोहल की। अल्कोहल का जनरल फार्मूला आर ओ एंड एच, ऑक्सीजन के दो बॉन्ड्स और इसके पास दो एक्स्ट्रा पेयर्स। इसने अपना पेयर उठाया और मौजूद हाइड्रोजन को दिया, और उसी तरह से जिस तरह वाटर में था, इसने यहाँ पे एच, इसने इस हाइड्रोजन को अपना एक बॉन्ड, अपना एक पेयर दे दिया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, एंड दिस ओवरऑल बॉडी इज कॉल्ड ऑक्सोनियम आयन। सिमिलरली अगर हम ईथर्स की बात करें तो ईथर्स के केस में आर ओ विद टू पेयर्स एंड आर, ये जब पेयर आएगा एक हाइड्रोजन पॉजिटिव के साथ, तो ये जाके जो आयन बनाएगा वो उसी तरह ऑक्सोनियम आयन होगा, और ये एरोहेड विद हाइड्रोजन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो सिमिलरली ये भी ऑक्सोनियम आयन है, एंड दिस इज आल्सो ऑक्सोनियम आयन, दिस इज द ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल एंड दिस इज द ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर्स। तो यहाँ से हमें इनकी एप्लीकेशन पता लगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, और ये डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को बनाते हैं। आखिरी एग्जांपल आपके पास अमोनियम आयन की, विच इज़ वेरी कॉमन, और आपने अक्सर आज तक मतलब की केमिस्ट्री जितनी आपने पढ़ी हुई है उसमें आपने अमोनियम आयन्स को बहुत ज़्यादा सुना होगा, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑल। तो ये जो NH4 पॉजिटिव आयन है जिसको हम अमोनियम आयन कहते हैं, दिस इज आल्सो फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये एक बेसिक तीन एग्जांपल है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की अमोनियम आयन। इसके अंदर क्या होता है, सिमिलरली अमोनिया है हाइड्रोजन 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 एंड अ सिंगल पेयर, ये अपना पेयर उठाएगी और करीब मौजूद प्रोटॉन को दे देगी, एच पॉजिटिव आयन को दे देगी, और ये एक हमारे पास क्या बन जाएगा,
coordinate covalent bond. This is NH3 और ये एक arrowhead towards the fourth hydrogen. और इस पूरे के ऊपर अब positive charge आ जाएगा, जिसको हम NH4 positive लिखते हैं, ammonium ion. So this again is the formation of the coordinate covalent bond. तो आपके पास जो अमोनिया, इसका स्ट्रक्चर आपके बुक में भी मेंशन किया हुआ है, इट इज टेट्राहेड्रल समथिंग लाइक दिस. विद पॉजिटिव आयन ऑन इट. तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो भी आपके पास मौजूद होना चाहिए. सिमिलरली आपके पास एक और आखिरी एग्जांपल की बात करता है, फॉस्फोनियम आयन. तो यू मस्ट रिमेंबर दीज नेम्स, ऑक्सोनियम, हाइड्रोनियम, हाइड्रोमियम, फिर आपके पास आता है अमोनियम, एंड द लास्ट वन हियर इज फॉस्फोनियम आयन. फॉस्फोनियम आयन के अंदर क्या होता है कि जो आपके पास फॉस्फीन होती है PH3, सिमिलरली PH3 ये अपना बॉन्ड देगी, अपने शेयर्ड पेयर डोनेट करेगी हाइड्रोजन को, और आपके पास जो है वो फॉस्फोनियम आयन जो है वो बन जाएगा विद द पॉजिटिव चार्ज ऑन फॉस्फोरस. तो ये जो PH4 आयन होता है, दिस इज कॉल्ड द फॉस्फोनियम आयन एंड इट यूजेस द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. आगे मजीद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल आपके बुक में बता रहा है कि आपके पास नाइट्रिक एसिड जो होता है, इसके अंदर जो है फॉर्मेशन होती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की. फिर वो कहता है जी जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ऑक्सी एसिड्स आर दोज जिनके अंदर हेलोजन और ऑक्सीजन मौजूद होती है, HClO2, HClO3 and HClO4, दीज आर दी ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन. सिमिलरली अगर क्लोरीन की बजाय फ्लोरीन हो या ब्रोमीन हो जाए तो फिर ऑक्सी एसिड्स ऑफ ब्रोमीन या फ्लोरीन हो जाएंगे. तो इनके अंदर जो है क्लोरीन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, द बॉन्ड बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. तो अब आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स है, इसकी केमिस्ट्री जो सी है वो समझ में आ गई होगी कि जब भी एक जो है बॉन्डेड एटम पूरे का पूरा जो पेयर है वो डोनेट कर दे तो जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने तीन जो थे लुइस कॉन्सेप्ट के अंदर तीन थे आयनिक बॉन्ड, उसको स्टडी कर चुके, कोवलेंट बॉन्ड वो भी देखा था हमने डिटेल में, और आज का टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसमें हमने उसकी डिटेल विद एग्जांपल्स स्टडी की. यहाँ पर लुइस कॉन्सेप्ट जो है वो एंड हो गया. अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लुइस कॉन्सेप्ट की जो हैं वो लिमिटेशन देखेंगे कि कहाँ पे आके लुइस कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाता है. जब ये हम इसके फेलियर्स पढ़ लेंगे कि क्यों लुइस कॉन्सेप्ट को हमें छोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ये लुइस कॉन्सेप्ट किन किन जगह पे जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो फिर हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो होगी मॉडर्न थ्योरीज, कि जो लेटेस्ट थ्योरीज हैं, जो रिसर्च वर्क हुआ है वो हमें क्या बता रहे हैं अबाउट दी बॉन्डिंग, जो कि इस चैप्टर की एसेंस है. इस चैप्टर में जो लोगों को सबसे मुश्किल लगती है वो यही पार्ट है जो भी हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, मॉडर्न थ्योरीज, जिनमें तीन थ्योरीज हैं जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट दी केमिकल बॉन्डिंग. तो यहाँ तक जो था चैप्टर का इजी पोर्शन था और ये वो ख़त्म हो चुका है. लुइस और उससे पहले हमने आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो सारी चीज़ें इसीलिए पढ़ी थी कि जब आगे चल के हम इन मॉडर्न थ्योरीज में उन एनर्जीज की बारे में डिस्कस करें तो आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हों. तो यहाँ पर ये बताने का मतलब ये है कि बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक्स, आज इस टॉपिक के बाद से you must have very clear concepts of whatever we have discussed in the chapter 6 before. aaj se pehle chapter 6 mein jo jo cheeze hum study karke aaye hain uska concept aapke mind mein crystal clear hona chahiye aaj ke topic tak, so that we can understand the modern theories jo ke aage hamare topic mein aayengi. to ye hamara
अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आज का टॉपिक था।